तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। देखिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए जिनका पेपर स्टार्ट होने वाला 17 तारीख से। तो इसमें हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिकोणों से आने वाले 10 ऐसे क्वेश्चन जो हर साल रेलवे परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं। तो ये कैसे क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चन है, सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे अपने वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दें कि अभी तक आप चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे आप चैनल से तुरंत जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आपको ये बता दें कि देखिए मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ से सत्यम गुप्ता सर्च करके मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अनअकैडमी कई सारे बेहतरीन कोर्सेज देखने को मिलेंगे क्योंकि मैं यहाँ पे टॉप क्वेश्चंस लेके आता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पूरा का पूरा मैथ बेसिक से सीख जाओ तो इसके लिए मैंने अनअकैडमी पे अरिथमेटिक का और एडवांस का पूरा क्रैश कोर्स मैं लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो आप मुझे वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर एक पार्ट का नीचे लिंक आपको दिया हुआ है। जैसे कि मैंने वहाँ पे अभी तक एवरेज डाला हुआ तो आप एवरेज का देख सकते हो, कुल मिला के 4 पार्ट मैंने डाले हुए हैं। तो सभी चीज़ें वहाँ पे ऐड होती रहेंगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि इस वीडियो में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन से बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अभी तक मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें त्रिकोणमिति लगनी ही नहीं होती एक्चुअली में, वो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसमें त्रिकोणमिति नहीं लगनी होती है, मतलब कि ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, खाली इसमें साइन कॉस्ट का नाम कर दिया होता है। जैसे कि आप अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करोगे तो ये देख रहे हो साइन ए रेशियो कॉस ए की वैल्यू कितनी दी है, 4:7। आपसे उसने पूछ ली भैया 7 sin A - 3 cos A डिवाइड बाई 7 sin A + 2 cos A की वैल्यू बताइए। तो सिंपल है, साइन और कॉस का अगर उसने रेशियो 4:7 दिया, यानी साइन ए की वैल्यू उसने कितना कहा है, 4 कहा है। साइन ए की वैल्यू उसने कितना यहाँ पे कह दिया, 4 कह दिया है, और कॉस ए की वैल्यू उसने कितना कह दिया, 7 कह दिया। तो जहाँ जहाँ आपको साइन ए दिखे वहाँ आपको करना क्या है, 4 रख देना है। तो यहाँ क्या रखोगे, 7 × 4। जहाँ जहाँ आपको कॉस दिखे वहाँ पर हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, तो 3 × 7। इसी तरीके से 7 × 4 + 2 × 7, ये करोगे आप 7 × 28 - 21 / 7 × 28 + 14, तो ये आ जाएगा आपका 7 और ये आपका आ जाएगा 42। ठीक है, 8 × 4 = 12, ये 1/6 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि अगर यहाँ पे वो एक्स वाई भी कर देता तो भी क्या कोई फर्क पड़ता, अगर जहाँ पे साइन कॉस है वहाँ पे एक्स वाई कर देता कोई फर्क पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें वैल्यू उसी की रखनी थी। इसी तरह एक क्वेश्चन अलजेब्रा में कई बार बनते हैं, बीजगणित जिसको आप बोलते हो, उसमें भी कई सारे इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें एक्चुअली में जो त्रिकोणमिति वो लगनी ही नहीं होती, खाली वहाँ नाम दे दिया होता, बच्चे त्रिकोणमिति के डर से क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं जो मैंने पहला आपको दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में भी सिंपल, खाली आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कुछ चीज़ें जो आपने बचपन में पढ़ी हुई थी, कि जब भी हमको साइन दो चीज़ें ऊपर नीचे एक ही तरह लिखी हुई दिखती हैं और नीचे जो है वही साइन अपोजिट हो जाता है तो हमें करना क्या होता है, परमेकर्ण कर देना होता है। तो हम भी नीचे क्या करेंगे, नीचे का जो साइन है उसी के अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट में ही, यही होता है क्या, परमेकर्ण आप बोलते हो इसको। तो ऊपर आप देख रहे हो 1 - sin A - sin A कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ये क्या हो गया, 1 - sin A² होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही है। नीचे आप देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा 1 + sin A और यहाँ लिखा हुआ है क्या, 1 - sin A। क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे है 1 + sin A और यहाँ पे क्या है, 1 - sin A। तो जब भी आपको दिखे a + b a - b तो क्या फार्मूला होता है, a² - b², ये तो चीज़ें आपको पता होंगी। अब 1 - sin² θ या फिर 1 - sin² a या फिर 1 - sin² b कुछ भी लिखा हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, cos² होती है। क्या होती है वैल्यू इसकी, cos² होती है। क्यों होती है ये भी देख लीजिए आप, क्योंकि sin² θ + cos² θ बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या करो, साइन को जरा इधर ले आओ, तो cos² θ बराबर क्या हो गया, 1 - sin² हो गया। तो यहाँ चाहे थीटा हो चाहे ए हो चाहे बी हो, कुछ भी लिखा हो वही वैल्यू आनी होती है। अब यहाँ से जब आप रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ऊपर क्या बचा, 1 - sin A, cos पे से स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचा, सिर्फ cos ए बचा। तो अलग अलग कर लो इसको, आप 1/cos कर लो, -sin/cos कर लो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों का बेस सेम है तो हमने दोनों को अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 1/cos क्या होता है, sec होता है, और sin/cos क्या होता है, tan होता है। तो आंसर क्या आ गया, sec a - tan, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन में सिंपली कुछ लगने नहीं थे, कोई वैल्यू आपको नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा। आपको करना क्या था, आपको खाली ऊपर वाले क्वेश्चन में परमेकर्ण करना चाहिए, वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए परमेकर्ण की, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हुई हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो वही कॉपी कर देते हैं अगर उसी क्वेश्चन को पूछते हैं। और नीचे वाले क्वेश्चन में भी कुछ खास नहीं था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको चीज़ें समझ में आई हैं।
अब कुछ ये चीज होती है जो आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको त्रिकोणमिति के और भी अपने चैप्टर्स में पढ़ाया हुआ है, जिसका आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप और भी सारी चीजें देख सकते हो। जैसे कि कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता आपसे कि भाई ये बताओ आप, जरा सा क्वेश्चन उसने आपसे पूछ लिया, वो उसने कोई वैल्यू दे देता है ऐसे, आपसे कहेगा ये 70 है, ये 20 है, तो इसका मतलब ये 90 बनना, यानी राइट एंगल हो जाता है। तो हमेशा याद रखें कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जिसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि कौन सी ट्रिपलेट, 3, 4, 5, 5, 12, 13, ठीक है, और भी कई सारे ट्रिपलेट हैं जिसकी वैल्यू आपको याद, जैसे 9, 40, 41, तो ये सब ट्रिपलेट होते हैं। अब 3 का जब आप डबल करते जाओगे तो देखिए 3 का दुगना 6, 4 का दुगना 8 और 5 का दुगना 10, तो इसी तरीके से 6, 8 और 10 भी ट्रिपलेट बनता है। अब ये ट्रिपलेट जो है इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली में, आप ये समझिए, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो यहाँ पे 90 बनेगा अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये क्या है कर्ण है, यानी कि ये क्या है हाइपोटेनिस है, ये क्या है लंब है, यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये क्या है आधार है, इसका मतलब ये क्या है बेस है। लंब और आधार आपस में चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग जो लंब और आधार है वो आपस में चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी समकोण त्रिभुज की, तो अगर आपके पास ये 6 दे दिया साइड, ये 8 दे दिया, तो ये कितना होगा 10 होगा। हमने बिना किसी गुणा भाग के, बिना किसी पाइथागोरस प्रमेय के निकाला, वो कैसे निकाला, वो इसी ट्रिपलेट से निकाला। अब जब आप इसका दुगना, एक बार दुगना आपने किया, 3 गुना करेंगे, 3 का 3 गुना 9, 4 3 12, 5 3 15, तो 9 12 15 भी क्या होता है ट्रिपलेट बनता है। तो मेन जो है वही 3 4 ही ट्रिपलेट है, जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, 9 40 41, और भी कई सारे 2 4 ट्रिपलेट है जो मेन है, बाकी सभी के सभी जो ट्रिपलेट होते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। अब ट्रिपलेट पे जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, जरा आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और आपको ट्रिपलेट पे समझ आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है और आपका टाइम किस तरीके से बचता है। क्वेश्चन उसने कहा कि 13 sin θ - 12 = 0, तो आप यहाँ देखोगे कि 13 sin θ, हम अगर 12 को उधर करते तो उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। साइन थीटा वैल्यू कितनी आ गई 12/13 नीचे आ जाएगा। अगर आप ट्रायंगल बनाओगे तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। हाइपोटेनस अगर 13 है, इसका जो लंब है वो 12 है, तो आप बताइए किस ट्रिपलेट में 13 आता है 12 आता है, तो आप कहोगे सर 5 12 13 में आता है, यानी जो एक साइड है वो क्या होगी 5 होगी। तो यहीं से चीज़ें आपको क्लियर होने लगती हैं कि जो ट्रिपलेट का यूज करते हैं हम इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। हम जो ट्रिपलेट का यूज करते हैं वो कैसे करते हैं, इन्हीं तरीकों से करते हैं। तो इसमें आपने अभी तक क्वेश्चन में ये सीखा कि साइन थीटा जो है वो क्या आ गया आपके पास, देखिए ध्यान से बात देख लीजिए, यहाँ से आपने ये सीखा कि साइन थीटा हमारा क्या आ गया 12/13। अगर आप क्या करो, यहाँ पे ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ लिखोगे थीटा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ हो गया 5। आपको निकालने किसकी वैल्यू है वो जरा आप देखिए, 2 cos θ, cos क्या होता है आधार बटे कर्ण, 2 × आधार क्या है 5/13, प्लस 3 tan θ, tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो 12/5 डिवाइड बाई cosec, cosec क्या होता है साइन का अपोजिट, तो साइन क्या था अगर 12/13 था तो cosec क्या होगा 13/12 हो गया। cot, cot क्या होता है tan का अपोजिट, तो अगर tan है 12/5 तो क्या क्या हो गया 5/12। बस आप इसी को सॉल्व कर दोगे तो 1036 अब डिवाइड बाई 195 आ जाएगा, 195। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर इसका कैसे आएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आते हैं लगातार, कई बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो LP में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे इन्हीं क्वेश्चन को छोड़ के आ रहे थे, वो ये क्वेश्चन था कि भाई उसने कह दिया कि अगर आपको tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा बराबर 1 दिया है तो इसकी वैल्यू बताइए। देखिए मैं आपको 3 4 चीज़ें बता देता हूँ, कहीं भी आपको अगर लिखता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 1, तो आप वैल्यू बताइए cot स्क्वायर थीटा प्लस cot की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी। या अगर वो उसने लिख दिया कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा बराबर 1, और आपसे पूछा उसने कि tan स्क्वायर थीटा, देखिए उसी का अपोजिट मैं यहाँ दिख रहा हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो नीचे वाले की वैल्यू भी कितनी होगी 1 ही होगी, इसकी वैल्यू 1 है तो नीचे वाली वैल्यू कितनी होगी 1 ही होगी, तो इसका अपोजिट में क्या होगा 1 ही सही आएगा। तो आपको तो ये चीज़ें क्वेश्चन में दिख गई, लेकिन ये चीज़ें आप क्या करो एक्सटर्नल नोट कर लो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, और आप अगर ऐसे क्वेश्चन पर नहीं करवाओगे तो क्वेश्चन तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपकी चीज़ें सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगे, ठीक है। ये 2-3 टाइप आपने पढ़ा, अब देखिए एक टाइप जो इस बार के LP में कई बार पूछा गया उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके ग्रुप भी पूछा जा सके। कैसे था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था कि अगर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर c है, तो उसने कहा भैया बताओ तुम a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी। उसने सिंपली तो ये नहीं कहा a b, उसने कहा था कि 4 sin θ + 5 cos θ बराबर, उसने समथिंग दे दिया 5,
यहाँ मान लीजिए 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अगर उसने लिखा होता तो बराबर उसने दे दिया 5। उसने कहा कि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, इसको वो कुछ भी लिख सकता है, वैल्यू उतनी आनी, ये कितनी होगी। तो याद रखिए जब भी a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर समथिंग दिया रहता है, उसका माइनस करके पूछता है चीज़ों को, तो आपकी जो आंसर आती है वो होती है साइन के सामने जो लिखा है, कॉस के सामने लिखा, माइनस जो इंडिविजुअल लिखा है वो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये ए बी सी में आपको याद हो जाएंगी वैल्यू, कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपको ए बी सी में वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 घटा दो कितना आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा। तो ये अलग टाइप से इस बार के एलपी में लगातार उसने पूछा है और कई बार आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है। अब एक और जो टाइप आता है वो ये आता है कि उसने ये कह देता है कि भैया sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू है वो 4 है, तो आप बताइए कि sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आंसर लिख देना 1/4 करके। अब ये चीज़ें sec और tan में नहीं होती, ये चीज़ें होती हैं आपकी cosec थीटा और प्लस cot थीटा में भी होती हैं, ठीक है। किस में होती हैं ये, cosec थीटा प्लस cot थीटा में भी होती हैं, तो ये भी आप क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। लेकिन अब वो क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडर्न करके पूछने लगा है कि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 4 तो है, तो आप बताओ कि sec थीटा कितना होगा। अभी तो माइनस वाला तो आराम से निकाल लोगे, तो sec थीटा कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, जो भी वैल्यू दी होती है उसका स्क्वायर करिए, उसमें एक जोड़िए और नीचे उसी के 2 बार से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा वो मान लीजिए x दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, सिंपल है, समझ में आ रहा है। क्या करना है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 4। ये कहाँ कहाँ लागू होंगी, sec प्लस tan में और cosec माइनस cot में। आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है, आराम से चीज़ें यहाँ तक सारी की सारी समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये आता है कि क्वेश्चन में आपसे वो बोल देता है कि आप बताइए कि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर है 1, तो वैल्यू आप बताइए। कि उसने कह दिया कि tan कुछ भी समथिंग वो बोल सकता आपसे, जैसे उसने मान लीजिए आपसे उससे कह दिया उसने कि tan 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ रहे हैं आप लोग, उसने क्या कहा कि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 है, तो tan 5 थीटा की वैल्यू बताइए। तो देखिए जब भी अगर आपको बराबर में दिखे sin a बराबर cos b, फिर आपको दिखे tan a बराबर cot b और sec a बराबर cosec b, ये जब भी दिखेंगे तो ये वैल्यू जब भी इक्वल होते हैं तब वैल्यू होती है कितनी, 45। जब ए की वैल्यू 45 होगी तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो ये सब तभी इक्वल होता है जब ए भी 45 हो बी भी 45 हो, यानी इन तीनों के तीनों केसों में ए और बी का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तीनों के तीनों केस में जब हम ए और बी का सम करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। और ये क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो इसी तरीके से अगर ये देखिए अब इधर हम इधर ले आएंगे, आप कहोगे सर ये तो उस पर लिखा ही नहीं है, तो tan 2 थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1/tan 3 थीटा, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में तो नीचे 1/ आ जाएगा, और 1/tan बराबर क्या होता है, cot 3 थीटा होता है। देखिए tan और cot आ गया ना यहाँ कितना, तो 2 थीटा और 3 थीटा का सम कितना आएगा यहाँ पे, 90 आएगा। 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना आएगा, 90। 3 × 2 = 5 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। और थीटा बराबर क्या हो गया, 18, क्योंकि 18 × 5 क्या होता है, 90 होता है। अगर थीटा 18 है तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 18 रखेंगे थीटा, जगह 18 × 5 = 90, और tan 90 वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट आ गई। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूँ या ना करूँ। आपको जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप कई सारे बेसिक सीखना चाहते हो तो अनअकैडमी मुझे फॉलो करके वहाँ पर मेरे कोर्सेज को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।